या अली मदद, अल वाइज अबू अली, वाइज नंबर 15th of January 1991, Vice Yuan Jamat Khan at Bandra near Bombay. Yali Madad? Momino, aapka mere upar karza tha, Yuan apartment mein Sami Sainz ko awaaz na hui. Main wo karza chukane aaya hoon. दुआ करना मेरा गला ठीक रहे. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल मुस्तफा व आले मोहम्मद अल मुस्तफा इला कयाम. ज्यादा ऊंचा हो गया. ओके है जी. दीन छोड़ी जे कोई जावे राह चुका पापी साथ सों खड़िया आप मुरादा जीवा दोग के पड़िया भरम में मत भूलो भाई नमी चालो मरना शफायत رسول کی شفاعت پیغمبر کی جھوٹے سو ڈرنا بھائی جھوٹے سو ڈرنا بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو امام پہ سلوات پڑھو. اللہم تھوڑا اس کو اونچے کرو آنکھوں کے سامنے آتا ہے. مومنوں دین رسول کا جو حق اور سچا ہے علی اور نبی کا یہ دین زمین آسمان پیدا نہیں ہوئے تب سے یہ چلا آتا ہے. ہمارا اسلام, میں نے کیوں ایسا کہا ہمارا اسلام, اسلام جتنا ہمارا اسماعیلیوں کا ہے اتنا دوسروں کا نہیں. آپ کے پاس بہت سے آدمی آتے جاتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, کبھی کبھی یارو دوستوں میں مذہب کی باتیں ہوتی ہیں. آپ بڑی خوشی سے زور لگا کے کہو کہ دین اسلام ہمارا زیادہ ہے, اس لیے کہ قرآن اور اسلام دین علی نبی کے گھر میں سے نکلا اور آج علی نبی دونوں ہمارے پاس ہیں. ہمارے دوسرے بھائی نبی کو ضرور مانتے ہیں, علی کو بھول گئے. خدا نے بھی اپنی قرآن پاک میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک ذکر کیا ہے کتاب کا, دوسرا ذکر کیا ہے نور کا. بہت سے ترجمہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو کتاب ہے وہی نور ہے, مگر بات ایسی ہے کہ خدا نے نور اور کتاب کے بیچ میں واو رکھا ہے, اس کا مطلب ہے اور اینڈ انے, دو چیزیں ہو جاتی ہیں. نورم و کتاب مبین, اور مبین کا شبد دونوں کو لگتا ہے, نور کو بھی اور کتاب کو بھی. مبین کہتے ہیں کہ جس کو ہم آنکھ سے دیکھ سکیں, تو وہ نور اس دنیا میں ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ کا کلام حق اور سچ ہے. ہم قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہیں, مگر 1400 سال سے قرآن کو سمجھنے والے کتنے. میں دو تین جگہ اپنی آوازوں میں کہہ چکا ہوں,
कि 1400 बरस के अंदर अरबों में सैकड़ों नहीं हजारों आलिम पैदा हुए जिनकी मादरी जबान अरबिक थी, बड़े बड़े जय्यद आलिम पैदा हुए। अब 1400 साल हुए सारी दुनिया के मुसलमान कुरान की तफसीर और तर्जुमे के ऊपर इकट्ठे न हो सके, आज भी उनके अंदर इख्तलाफात है, यानी मतभेद है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। और खुद कुरान भी यही कहता है कि कुरान को समझने वाले सिर्फ वो हैं कि जो रासिखून फिल इल्म है, इल्म के अंदर कंप्लीट रासिख हो गए, मतलब कि जो इल्म में कंप्लीट हो गए। किसने दावा किया है ये कि मेरा इल्म पूरा हो गया? दुनिया के बड़े से बड़े आलिम को पूछो कि तेरा इल्म पूरा हुआ तो कहेगा मैंने तो अभी शुरू किया है, मैट्रिक पास जो छोकरा निकला था वो समझता है कि शायद अभी मेरी एजुकेशन पूरी हो गई, वो भी नहीं समझते। किसी ने दावा नहीं किया, मगर हमारे इमामों ने ये दावा किया है कि हम जो कहते हैं वो कुरान शरीफ की तफसीर से कहते हैं। और आज तक मैंने कभी भी पुरानी हिस्ट्री में भी मौला अली से लेके आज हजर इमाम शाह करीम सलवातुल्लाह अलैह तक जितने भी हमारे इमामों के फरमान हमें हासिल हो सके, इन तमाम फरमानों की स्टडी करने के बाद मुझे ऐसी कोई चीज न मिली कि जो कुरान के विरुद्ध होवे। मौला अली से लेके आज तक मौला अली के बहुत से फरमान हमारे पास हैं, इमाम हुसैन के फरमान भी हैं, इमाम जैनुल आबदीन के फरमान भी कुछ थोड़े से हैं। और इमाम जैनुल आबदीन ने तो एक किताब लिखी और वो उनका नाम पड़ गया सैयदुस साजदीन, सजदा करने वालों के सरदार। तो हजरत इमाम जैनुल आबदीन के, इमाम मोहम्मद बाकर के, इमाम जाफर सादिक तक के, और फिर बाद में बहुत से इमामों के फरमान हमको फातिमी टाइम के मिलते हैं। थोड़े से फरमान हमारे पास इमाम मौलाना रफी अहमद अलैहिस्सलाम के हैं, हजरत इमाम मेहदी के बाद जब मोरक्को में हमारा राज शुरू हुआ, खिलाफत फातिमिया शुरू हुई, तो हमारे बहुत से इमामों के फरमान लिखे हुए मिलते हैं। मौलाना इमाम रुकनुद्दीन की वफात के बाद थोड़े से फरमान हमको मौलाना शमसुद्दीन के, इमाम इस्माइल इस्लाम शाह के, और फिर इमाम मुस्तनसर बिल्ला के फरमान के, जिसकी किताब का नाम है पंडियात जवान मर्दी। कुछ थोड़े से फरमान हमारे पास 40वें इमाम निजार के भी हैं, उसके बाद इमाम शाह खलीलुल्लाह से लेके हजर इमाम तक के पास हमारे पास फरमान है। लेकिन आज तक ऐसा एक भी फरमान न मिला कि जो कुरान शरीफ के खिलाफ जाता हो। उसकी वजह यह है कि अली नबी के घर में कुरान उतरा। हमारा ये ईमान है कि अली नबी के घर में कुरान उतरा और कुरान हमारा है, मगर एक ही बात है, क्या हम कुरान पढ़ सकते हैं? हम इस बात को नहीं मानते कि तुम कुरान पढ़ो पोपट की तरह, तोते की तरह, एक टेप रिकॉर्डर की तरह। अभी तो बहुत टेप रिकॉर्डिंग मिलती है, 30 पारे 30 कैसेट्स में है, और इजिप्शियन एम्बेसी जो हो ना उसके पास जाके देखो आपको मिलेंगे, कभी कभी वो मुफ्त भी दे देते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी है कुरान शरीफ के पारे निकाले हैं, वो भी 30 कैसेट्स है, 30-30 मिनट की एक साइड, 30 मिनट की C60 की कैसेट्स है, 40-50 रुपए में उधर कराची में दे देते हैं। आप वो टेप लगा दो, कुरान सुनते रहो, लेकिन क्या फायदा, क्या फायदा? कुरान क्या कहता है वो तो हमें पता नहीं। महज कुरान पढ़ जाने से हाँ सवाब जरूर है, क्योंकि कलाम खुदा का है। जिस तरह हम गिनान पढ़ते हैं, गिनान पढ़ते हैं हमको सवाब मिलता है, लेकिन गिनान भी हम नहीं समझते, जो कि थोड़ी थोड़ी ऐसी भाषा है, कुछ कुछ शब्द हम समझ देते हैं। झूने पुराने आदमी आस्ता आस्ता गुजरते जाते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस तरह कुरान के मतलब नहीं समझते, इसी तरह हम गिनान के मतलब भी नहीं समझेंगे। इसके लिए हजर इमाम ने फिक्र भी किया, तख्त नशीन हुआ तो मौला ने फरमान किए कि ये वंडरफुल ट्रेडिशन, ये वंडरफुल प्रणाली का जो आपके गिनान है, इनको संभाल के रखो। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी आल औलाद के लिए, जो बच्चे अभी तक पैदा नहीं हुए
उनके लिए तुम ये ज्ञान संभाल के रखो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो गए फिर भी ज्ञानों की जबान में हम जो गुजराती बोलने वाले, कच्छी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, थोड़ा थोड़ा ज्ञानों में समझ अभी भी है, क्योंकि हमारी जबान थोड़ी मिलती है, भले 500-700 बरस की पुरानी जबान हो गई, लेकिन जो टाइम गुजर रहा है हमने अगर ध्यान नहीं किया तो आज जो बच्चे शादियां करेंगे 20 और 25 बरस की उम्र वाले, इनकी जो औलाद होगी वो ज्ञान को नहीं समझेगी, जिस तरह आज मुसलमान कुरान को नहीं समझते। कुरान शरीफ के अंदर से वो ले गए कि एक ही बात करते हैं, नमाज पढ़ो और रोजे रखो, भाई जकात की कोई बात नहीं करता, नेक आमाल की कोई बात नहीं करता, खुदा ताला को हर वक्त याद करो कोई बात नहीं करता, रात को 12 बजे के बाद उठ के खुदा की इबादत करो कोई नहीं जानता। उसके अंदर लिखा है कि रात के 12 बजे से लेके सुबह सूरज निकलने तक तुम आहिस्ता आहिस्ता मन के अंदर खुदा को याद करो। कौन जानता है, मस्जिद वीरान पड़ी है, मगर एक चीज नहीं, एक ही चीज लेके बैठे हैं, एक ही चीज, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हम नमाज पढ़ते हैं, मैं आप भाई बहनों को अर्ज करता हूं, आपको कोई कहे कि आप नमाज पढ़ते हैं, कभी नहीं कहना कि नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आप जैसी नहीं हमारी नमाज है। अरबी जबान में मैं कह चुका हूं 2-3 जगह, सलात का लफ्ज है, उसका मतलब है दुआ मांगना। हम दुआ पढ़ते हैं, हम खुदा की इबादत करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 1 अबज मुसलमान दुनिया में है, 100 करोड़, उसमें हमारी 2.5 करोड़ की आबादी है। हम जितनी इबादत करते हैं बाकी के 97.5 करोड़ मुसलमान इबादत के स्पेलिंग भी नहीं जानते। मेरे पास तो बहुत दफा ऐसे वाकियात मिलते रहते हैं, मौलवियों के साथ भी, मुल्लाओं के साथ भी, आलिमों के साथ भी, प्रोफेसरों के साथ भी। मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमारा जो इस्माइली मजहब है, ये मजहब एक जमाना था कि हम इसको छुपा के रखते थे, और छुपाने की वजह मजहब नहीं था, छुपाने की वजह पॉलिटिक्स था, सियासत थी। अब्बासी खलीफा हमारे इमामों के दुश्मन थे, खून के प्यासे थे, इसलिए हम छुप जाते थे, हम नहीं कहते थे कि हम इस्माइली हैं, क्योंकि वो इस्माइलियों को पकड़ के मारते थे और पूछते थे कि तुम्हारा इमाम किधर है। इसलिए हजरत इमाम भी अपने आप को दुनिया के अंदर एक सौदागर की हैसियत में फिरा करते थे, जमात के ऊपर जुल्म ना होवे। इस तरह आपने मोस्टली आपने अपनी इस्माइली हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हमारी इस्माइली हिस्ट्री के अंदर हमारे ऊपर जितने जुल्म हुए हैं आप कभी पढ़ोगे तो आपकी आंखों में खून के आंसू आएंगे, हमारे ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं। ये अभी अभी कुछ लगभग 100 बरस हुए कि इस्माइलियों ने सुख का सांस लिया है, आज भी बाद ऐसी जगहों के ऊपर इस्माइलियों पे जुल्म होते रहे। 100 बरस से कम 1916 के अंदर सलमिया का मुखी और एक दाई पकड़ के जेल में डाल दिया गया, उस्मानिया तुर्की गवर्नमेंट के जमाने में, क्योंकि जर्मनी की दोस्ती में तुर्की चला गया और जो खलीफा उस्मान था वो सारी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा था, मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक तमाम मुसलमान मुल्क उस खलीफा का हुक्म मानते थे, मगर वो जालिम निकला। छेला खलीफा उसका नाम अब्दुल हमीद था, जिसको इस अब्दुल हमीद को, इस खलीफा को अतातुर्क ने पकड़ के उसके महल के अंदर कैद कर दिया और बाद में ऐलान किया कि मैं खलीफत को डिपोज करता हूं, मतलब कि मैं अबॉलिश कर देता हूं, मिटा डालता हूं, खिलाफत को मिटा दिया। उस वक्त मुसलमानों ने, थोड़े से मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने थोड़ा प्रोटेस्ट किया, तो जिसके अंदर हमारे हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह भी थे, तो तुर्की डिक्टेटर अतातुर्क ने जवाब दिया खिलाफत कमेटी को कि जिसका प्रेसिडेंट मोहम्मद अली था, ये दो भाई थे ना, मोहम्मद अली शौकत अली। अतातुर्क लिखता है कि इस्लाम के अंदर कभी भी खिलाफत जो थी वो मजहबी ऑफिस नहीं था। मेरे पास उस खत का
नकल पड़ी हुई है जो तुर्की के इस सरदार ने यानी कमाल अतातुर्क ने जो जवाब दिया था उसकी नकल मेरे पास है। उसने एक ऐसी बात कह दी जो हमारी फेवर की थी कि खिलाफत तारेशियों की फेवर, खिलाफत कभी भी इस्लाम के अंदर मजहबी ऑफिस नहीं था, पॉलिटिकल ऑफिस था। तो ये पॉलिटिकल वजह से हम इस्माइलियों ने अपने आप को छुपा के रखा। अब हमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है, एक ही बात है, हमको अपना मजहब समझना चाहिए। हमारा दीन सच्चा दीन है। इस्लाम के ऊपर चलने के लिए बहुत से रास्ते हैं। ऐसा मान लो कि इस्लाम एक सेंटर में एक मकान है, वहां जाने के लिए 73 रास्ते हैं, 73 वे है। उसमें एक हमारा भी इस्माइली रोड है कि जो हमको इस्लाम के इंटर तक चले जाता है, ले जाता है, पहुंचता है। हम किसी और किसी रास्ते के ऊपर न हम क्रिटिसाइज करते हैं, ना हम अटैक करते हैं, हम अपने रास्ते के ऊपर चले जाते हैं। सच्चा दीन रसूल का तमें सही करी जानो, जे कोई चाहे दीन को ताको दीन में आनो। सुन रे बटारू बावरे मत भूली जाओ। दीन मोहम्मद का सच्चा है, मगर क्या मोहम्मद के जमाने का दीन आज है? रसूल अकरम की सीरत पढ़ते हैं तो वो चीजें गुम हो गई, महज ऊपर की खाल रह गई, अंदर का गोश्त निकल गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के जमाने का जो दीन था वो हमारे पास है, हमारे दूसरे भाई भूल गए। अल्लाह के रसूल ने कहा था मैं दो चीजें छोड़े जाता हूं, एक किताबुल्लाह है, दूसरा मेरी अहले बैत है, और कयामत तक मेरी इत्रक और किताबुल्लाह साथ साथ रहेंगे। जिस तरह एक बटी हुई रस्सी होती है, इस तरह रसूलुल्लाह ने रस्सी का नाम दिया है, एक बटी हुई रस्सी होती है, इस तरह से मेरी इत्रक और किताबुल्लाह ये दोनों साथ रहेंगे। और इसी चीज को किताब के अंदर यानी कुरान के अंदर हबलिल मतीन कहा है। मौलाना हज़रत इमाम ने जो अपनी एम्ब्लम बनाई थी जुबली के टाइम पे, उसके अंदर यही है, वो आत से मुंह भी हबलिल्लाह जमीन वाला सफर रखू। वो हबलिल्लाह किधर है? खुदा की वो रस्सी कहाँ है? रस्सी तो बोलते हैं कि जो कंटिन्यू रहे। मैं आज आपको हिस्ट्री नहीं बयान कर सकता, मैं तो वाज करने आया हूं दीन समझाने के लिए, अगर से उसके अंदर थोड़ी थोड़ी हिस्टोरिकल चीजें आ जाती हैं जरूर। हमारे गिनानों ने हमें होशियार बना दिया। हे जी जे सतपंथ लेने ओसरी गया, खुदा ताला के कलाम के अंदर एक जगह फरमाया है, ऐ मोहम्मद इन मुशरकीन को कहो तुम्हारा मजहब तुम्हारे पास, मेरा मजहब मेरे पास। जे सतपंथ लेने ओसरी गया, अने गुर पीर ले देवरावे पड़से दो गजनी जंजाल। सतपंथ लेके ये सिरातुल मुस्तकीम है, जो आदमी ये इसमें आके बयत करके इसको कबूल करके फिर जो निकल गया हट गया, दिल में बेईमानी पैदा कर ली, शक पैदा कर लिया, तो घिनन फरमाते हैं कि उस आदमी का मुंह देखने में भी गुनाह है। ब्रह्म हत्या कहते हैं संस्कृत के अंदर
कि जिसने किसी गुरु किसी मुर्शिद को कत्ल किया होगा कितना गुनाह होता है। अपने मुर्शिद को अपने गुरु को जो कत्ल कर देते हैं इतना गुनाह उसका है कि जिसने सतपंथ दीन कबूल करके फिर इसमें शक किया या निकल गया, उसकी बख्शिश नहीं है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार सल्लल्लाहु अलैहि ने अपनी 17-18 बरस की उम्र में एक किताब लिखी थी और इस किताब का जिक्र इमाम ने कलाम इमाम मुबीन में किया है। यह किताब 1894 में कि जब मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की 17 बरस की उम्र थी ये किताब छापी। मौलाना कामड़िया हाजी को हाजी नजर अली को बिठा के डिक्टेशन दी। इमाम फारसी में बोलते थे, कामड़िया हाजी खोज की लेटर्स में और सिंधी भाषा में लिखते थे। 72 पेज की यह बुक है। इमाम ने 250 किताबें प्रिंट करवाई और उस वक्त अलाउद्दीन पानीवाला के छापाखाने में ये किताबें प्रिंट हुईं।